ठीक है, राघव और पल्लवी से भी पूछ लेना, उन्हें कुछ खाना है तो वो भी बना देना। और अरे रुकिए, ऐसे कहाँ चले जा रहे हैं? कैसा आवाज आ रहा है? रुको, मालूम नहीं, मैं देख के अंदर नहीं जा सकते। तुम रुको, मैं खुद देख लेता। और सुनिए ना, तुम जाओ। छोड़, मैं आपसे बोल रहा हूँ, रुकिए, जबरदस्ती ऐसे अंदर नहीं आ सकते। कहाँ है राघव राव? बुलाइए उसे, कहिए मंदार देशमुख आया है। तुम जाओ। तुमको राघव से काहे को मिलना है? वो मंदार, तुम यहां? बोला था ना, डीएनए रिपोर्ट के बाद ही बात करूंगा तुझसे। ये ले तेरे हर सवाल के जवाब, मैं ईमानदार देशमुख हूं। और ये है मेरी पत्नी पल्लवी मंदार देशमुख, जो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। किसी पराए मर्द के साथ नहीं। ये ले। तसल्ली या अब और कोई बहाना ढूंढ रहा है मुझे मेरी पत्नी से दूर रखने का? तेरा 10 लाइन का फिल्मी डायलॉग में सिर्फ एक बात सही कहा है, पल्लवी अपना हस्बैंड के साथ रहेगा, किसी गैर के साथ नहीं। और पल्लवी का हस्बैंड राघव राव है, तू एक्स है। राघव राव, एक बात क्लियर कर लो, पल्लवी और मेरी शादी पहले हुई थी, और हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक शादी वैलिड है। जिस इंसान का मेमोरी लॉस हो गया है उसके हिसाब से तो बहुत इंटेलिजेंटली बात कर रहा है। राघव राव, याददाश्त चली गई है मेरी, कॉमन सेंस नहीं। 2 साल से मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ और दिन भर में कई लोगों से मिलता रहता हूँ, और उन्हीं से सीखूंगी सर। अभी तक कुछ सीख लिया है तो एक और बात सीख लेता। फर्स्ट हस्बैंड का डेथ होने के बाद अगर फैमिली बॉडी का अंतिम संस्कार करता है और वो इंसान का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, और अगर उसका वाइफ दूसरा शादी कर लेता है एंड जस्ट इन केस उसका पहला पति वापस आ जाता है, फिर भी सेकेंड मैरिज 100% लीगल है। अर्थमहिंदा पल्लवी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नाजायज जिद कर रहा हूं? तुम्हारे लिए भी हमारा रिश्ता मायने नहीं रखता? मंदार, कागज पर रिश्ते जुड़ते हैं, बनते नहीं। तुम हमारी शादी के रात ही चले गए थे बिना किसी को कुछ बताए, और कभी वापस नहीं आए। हम सबने बहुत ढूंढा तुम्हें, कई दिनों बाद एक बॉडी मिली और हमें बताया गया कि वो तुम थे। हमारे लिए तुम इस दुनिया से जा चुके थे। हम सब हालात से समझौता करके जिंदगी में आगे बढ़ गए, और मेरी और राघव की शादी बहुत ही अजीब हालातों में हुई। मेरे लिए अब राघव ही मेरा पति है। ये
देखो मंदार, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन ये सिचुएशन जितनी तुम्हारे लिए ऑड है उतनी ही यूनिक हमारे लिए भी। तुम्हारी तरह हम भी इसे समझने की, इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद हर किसी की कोशिश पूरी नहीं होती। दो साल तक मैं गुमनाम रहा, पर गुमनामी में खोना नहीं चाहता था। पल्लवी नाम की नींव पर अपनी पहचान की जमीन ढूंढ रहा था। आज जब जमीन मिली तो नींव हिल गई। शायद उस रात मेरा यूं ही चला जाना गलत था, किसी से कुछ बात न करना गलत था, पर मैंने वो क्यों किया मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर इन दो सालों में मुझे कुछ भी याद ना रहकर सिर्फ तुम्हारा नाम याद रहा, इसका मतलब हमारा रिश्ता इतना कमजोर भी नहीं था। हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत तेरा रिश्ता था। मेरा है तेरे लिए वो इंपॉर्टेंट रहा होगा, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पास्ट को पास्ट में रहने दो। पल्लवी ने क्लियर कर दिया है कि उसको उसका जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं लगाना है। बेकार के कब्रें मत खोदो। और एक फैक्ट, हमने तेरे को तेरा फैमिली से मिलवा दिया है। अब तू उनके साथ कैसा रहता है, कैसा एडजस्ट करता है, ये सब तू देख ले। इसमें मैं और पल्लवी कुछ नहीं कर सकते। तेरा लाइफ, तेरा फैमिली, तेरा प्रॉब्लम। राघव, तू इससे ऐसे काहे को बात कर रहा है? वो बेचारा वैसे ही अपनी लाइफ में इतना परेशान है, उसको खुद के बारे में कुछ याद नहीं है। उसका हेल्प करने के बजाय तू उसको सुना रहा है। अम्मा, मैं सुना नहीं रहा है, उसको फैक्ट बता रहा है। अब इसका दिमाग का हार्ड ड्राइव में 1970s की बातें रिकॉर्ड होते रहेगा, तो 2021 की बातें कैसा रिकॉर्ड होगा? पर राघव, इंसान। थैंक यू। थैंक यू आंटी, पर राघव सही बोल रहे हैं। मुझे मेरे फैमिली तक पहुंचाकर बहुत बड़ा एहसान किया इन लोगों ने मुझ पर। सॉरी, अगली बार मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। अब आगे का सफर, उसकी मुश्किलें सब मेरे अपने, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपना दर्द का बोझ किसी और को दूं। सॉरी। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते राघव, मंदार के लिए सब। वेंकटेश्वर, सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था, फिर अचानक से ये तूफान काहे को आ गया? राघव, तुम्हें नहीं लगता तुम मंदार के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गए थे? मैं ऐसा ही है, और जब कुछ सही नहीं लगता तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता है। पर अब सही गलत की बात ही नहीं बची है राघव, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये वही मंदार है जो 2 साल पहले गायब हुआ था। सोचो, अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो तुम कैसे रिएक्ट करते? राघव, हालात ना हमारे लिए आसान है और ना मंदार के लिए, लेकिन एटलीस्ट इस मुश्किल समय में हम एक दूसरे के साथ हैं। मंदार बिल्कुल अकेला है। तो मैं क्या करूं? मेरा क्या गलती इसमें? मेरे को कहीं को सुना रहा है सब? मैं सुना नहीं रही हूँ, मैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ।
पल्लवी, तुम मेरे से प्यार करता है ना? हाँ राघव, ये सच कभी नहीं बदलेगा। मगर मंदार की प्रॉब्लम भी एक सच है जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, इस आदमी में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तुम्हें मंदार को लेकर इतना डाउट क्यों है राघव? मालूम नहीं पल्लवी, लेकिन मेरा गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्गली बोल रहा है कि इस आदमी में कोई तो प्रॉब्लम है, और अक्सर मेरा सिक्स सेंस सही होता है। वो डीएनए रिपोर्ट लाने जा रहा है बोल के निकल गया। तुम्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, तो मुझे बोल देते, मैं चला जाता उसके साथ। उसकी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं वो अकेला ये सब कैसे। मंदार बेटा क्या हुआ, क्या रिपोर्ट क्या आया? डीएनए रिपोर्ट में मैच हुआ है। मैं ही मंदार देशमुख हूं। मैं जानता था बेटा तू ही मेरा मंदार है, मुझे तो कभी किसी से भी जरूरत नहीं थी। और वो मंदार, तेरे को रिपोर्ट लाने में इतना टाइम क्यों लगा? वो मैं पल्लवी से मिलने गया था। क्यों, तुझे क्या जरूरत थी उसके पास जाने की बेटा? सोचा था कि उसे वापस लाऊंगा, लेकिन वो नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी, उसे तो आना ही पड़ेगा। सुलोचना काकू का फोन। हाँ काकू बोलिए। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ काकू, आज अचानक आपने फोन किया? वो ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ना तुझसे फेवर चाहिए था। बात क्या है काकू? पल्लवी बात ये है कि दादा ने घर पे सत्यनारायण की पूजा रखी है मंदार के लिए, और मंदार भी बड़ी मुश्किल से माना है इस पूजा के लिए, और दादा ने प्रसाद में शीरा बनाने के लिए कहा, पर मुझे तो शीरा बनाने आता नहीं है। और तू और वहिनी बनाते हमेशा पूजा के लिए शीरा। वैसे तो मैं बाहर से ऑर्डर कर सकती हूँ, पर मैं पूजा में रिस्क नहीं लेना चाहती ना, इसलिए क्या तू घर पे आ सकती है शीरा बनाने के लिए प्लीज? एक मिनट काकू, क्या करूं अम्मा, राघव से बात कर लूं एक बार? राघव से मैं बात कर लेगा, तू जा। पर एक बार पूछ लेती हूँ ना, बेटर होगा। पूजा के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए, तू जा ना, मैं बात कर लेगा। ठीक है काकू, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच पल्लवी। कीर्ति, मुझे पक्का यकीन हो गया, तेरे भाई भाभी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। ईमानदार के वापस आने के बाद भी ये राघव की नफरत कम नहीं हुई है। उस दिन देखा उसने क्या किया, घर से कैसे बाहर निकाला। मन तो कर रहा था दो रापटे दूं साले के सबसे। रिलैक्स रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, देखा उसने क्या किया था। डोंट वरी सनी, ये ईमानदार के आने से राघव पल्लवी के लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। शायद पल्लवी को वापस ईमानदार के पास जाना पड़े, तब तो राघव अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाएगा कि उसका हमारे ऊपर से ध्यान हट जाएगा, तभी हम शादी कर लेंगे। और एक बार शादी हो गई ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पंडित जी, सारा सामान तो मिल गया ना? हाँ सब मिल गया है, बस आप प्रसाद बनवा दे। मानसी बेटी, इसमें पूजा के लिए फल है, थाली में सजा के लेकर आना है। पंडित जी, अपने बेटे के मन की शांति के लिए ये पूजा करवा रहा हूं मैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये राघव का फोन क्यों नहीं लग रहा, कब से फोन लगा रही हूं इसे।
मेरे साथ चलो। राघव मैं तुम्हें ही फोन लगा रही थी। कुछ नहीं सुनना मेरे को, मैंने बोला ना मेरे साथ चलो। राघव पर मेरी बात तो सुन। राघव आराम से चला, मैं ऐसे ही नहीं जा रही हूँ देशमुख हाउस। काकू का फोन आया था, घर में पूजा है, आई नहीं है इसलिए मुझे इसी। मैंने बोला ना मेरे को कुछ नहीं सुनना है। अम्मा का फोन आया था, कह रहा था तुम देशमुख हाउस जा रहे हो, घर में पूजा है और तुम अकेले जाएगा बिना हस्बैंड के। बाहर लोग टॉन्ट मारेंगे, तुम्हारे बारे में गॉसिप बोलेंगे। तुम भी ना राघव, डरा ही दिया मुझे। ये राघव राव का स्टाइल है। चले दादा, पूजा की सारी तैयारी मैंने कर दी है और मैंने पल्लवी को बुलाया है शीरा बनाने के लिए। वाकई बना देगी शीरा। उसे बुलाने की क्या जरूरत थी, तुम खुद नहीं बना सकती। ये राघव क्यों साथ आ गया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, लीजिए ले आया आपका पल्लवी को। ए बड़ा बिंदे, पूजा में कोई भी वाइफ को अकेला बुलाता है क्या? पाप लगेगा तेरे को। आज पूजा में भगवान से सॉरी बोल देना और कह देना कि तुम नेक्स्ट टाइम पल्लवी को उसका हस्बैंड के साथ बुलाएगा। अर्ध महिंदा वरना लवी, तुम यहाँ खड़ा क्यों है? पूजा के लिए लेट हो रहा है, जाओ शीरा बनाओ। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुरानी पहचान हो मेरी। तुम्हें शीरा बहुत पसंद था, आई जब भी शीरा बनाती थी तुम किचन में आकर बैठ जाते थे। मैंने भी उन्हीं से सीखा है। कितना अजीब है ना, यादें खुद मिट जाती हैं पर अपना असर छोड़ जाती है, जैसे कोई रिश्ते भूल कर भी रह जाते हैं, है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।